आप सभी को तो रामायण में एक्चुअल में हुआ क्या था उसके बारे में तो आपको पता होगा, पर आपको क्या इसके साइंटिफिक प्रूफ मिले हैं? तो अगर आप आज की डेट में भी श्रीलंका जाते हैं तो आपको रामायण से रिलेटेड काफी सारे प्रूफ मिलेंगे, और इन्हीं प्रूफ को साइंटिस्ट काफी इयर्स से एक्सप्लोर करने की कोशिश भी कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम रामायण से रिलेटेड ऐसे प्रूफ को जानने वाले हैं जो हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि रामायण एक्चुअल में हुआ था। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं सिर्फ उन प्रूफ के बारे में बात करूंगा जो हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलते हैं। जैसे आपको तो ये पता होगा कि जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में क्या क्या प्रूफ का वर्णन किया है, अब मैं आपको फर्स्ट में ही ये इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। जैसे जब सीता माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, अब इसके बारे में आपको बता दूं वाल्मीकि रामायण में इस लक्ष्मण रेखा का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जो प्रूफ हमारे पास है उसको हम साइंटिफिक वे में जरूर देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहला है कोबरा हुड केव। अब मैं आपको बता दूं ये जो कोबरा हुड केव है ये श्रीलंका के श्रीगया में है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं इस केव की जब पूरी तरीके से साइंटिस्ट ने स्टडी की, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की, तो उन्होंने ये बताया कि ये 100% तरीके से नेचुरल नहीं है। और इतना ही, जब इन पत्थरों की जांच की गई तो ये पता चला कि जब रामायण हुआ था 5000 BC में, ये पत्थर भी तभी के हैं। और इस टाइप की केव बनाना आज भी ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में ये लिखा गया है कि जब कुछ असुरों ने सीता माँ को किडनैप कर लिया था तब उसके बाद इसी केव में रखा गया था। अब आपको ये केव एक जाइंट कोबरा की तरह लग रही होगी, तो अब आपने इस केव को पूरे ध्यान से देख दिया है तो मैं तो यहाँ पर श्योर हूँ कि ये इंसान तो नहीं बना सकता है, क्योंकि आप जरा इसके स्ट्रक्चर पे गौर डालिए, इतने बारीक तरीके से, वो भी 5000 ईयर्स पहले, क्या कोई इंसान वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ऐसा कर सकता है? तो ओवरऑल साइंटिफिक स्टडी में भी ये बात पता चल चुकी कि ये केव जब रामायण हुआ था तब की ही है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि आपने कभी ना कभी हनुमान जी के फुटप्रिंट्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर मैं आपको आज वो रियलिटी में दिखाता हूँ। अब ये जो आप इतने बड़े फुटप्रिंट से देख रहे हैं, ये माना जाता है कि ये फुटप्रिंट्स भगवान हनुमान के हैं, और ये फुटप्रिंट्स आपको श्रीलंका के न्यूआरा इलिया टेम्पल में देखने को मिल जाएंगे। और इन फुटप्रिंट्स को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग श्रीलंका में आते हैं। अब यहाँ पर साइंटिस्ट के पास इस बारे में कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि इस मंदिर में हनुमान जी आए थे, पर यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसे साइंस के वे में देख रहे हैं तो हमारे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। क्योंकि आप इन फुटप्रिंट्स को देखकर ये अंदाजा तो लगा सकते हैं, या फिर वो भगवान हनुमान थे, अगर साइंस के हिसाब से हनुमान नहीं थे तो वो कोई भी थे, तो वो हमारी तरह तो नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े फुटप्रिंट्स होना मतलब उनकी हाइट लगभग काफी ज्यादा होगी और उनका शेप एंड साइज भी हमसे काफी ज्यादा डिफरेंट होगा। तो हम इन फुटप्रिंट्स को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि पुराने जमाने में मतलब रामायण के टाइम पर कोई भी ऐसे बड़े जाइंट नहीं होंगे, उस टाइम पर भी हमसे 100 times बड़े जाइंट्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर थर्ड चीज हमें ये देखने को मिलती है कि राम सेतु ब्रिज। जी हाँ गाइस, ये राम सेतु ब्रिज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सारे रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नासा की सैटेलाइट से ली गई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुल टाइप का बना हुआ है और इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पर आप इस राम सेतु ब्रिज के बारे में और भी ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिस पर मैंने सारे इसके सारे साइंटिफिक प्रूफ आपके सामने रखे हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा। और इतना ही नहीं, मैंने इस वीडियो में ये भी प्रूफ किया है कि ये जो राम सेतु ब्रिज है ये मैन मेड स्ट्रक्चर ही है, मतलब किसी ऐसे इंसान ने बनाया है जो बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के उनके पास ज्ञान था, पावर थी। अब नेक्स्ट एविडेंस हमें रामायण का ये देखने को मिलता है, वो है राम सेतु ब्रिज में यूज हुए पत्थर। आपने कभी ना कभी इस टाइप के पत्थर तो जरूर देखे होंगे, पर जब इस पत्थर के बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्हें आज तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये जो पत्थर है आखिर बने किस चीज से हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह देंगे ये पत्थर ग्रेफाइट से बने हैं। अब यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है इस पर भी एक क्वालिटी होती है कि ये पानी में तैरता है, पर मैं आपको बता दूं जब इसके फर्दर और भी ज्यादा स्टडी की गई तो ये पता चला कि ये पत्थर ग्रेफाइट नहीं है।
और ये पत्थर की क्वालिटी जो ज्वालामुखी जब फटता है उसके बाद जो पत्थर वहां पर हमें देखने को मिलते हैं उनसे मैच करती है। पर इस पत्थर के कंपोजिशन के बारे में साइंस के पास अभी कुछ भी जवाब नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको तो ये पता हो कि भगवान हनुमान ने अपने पूंछ से ही पूरे लंका को जलाकर राख कर दिया था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके प्रूफ भी हम आज की डेट में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो मिट्टी आपको दिख रही है ये नॉर्मल मिट्टी, आप समझने की भूल बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये मिली है श्रीलंका से। और जब इस मिट्टी की जांच की गई तो ये पता चला कि इस मिट्टी को बहुत ही हाई टेम्परेचर में जलाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो ये श्रीलंका में ये मिट्टी मिली है ये और राज्यों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये मिट्टी का रंग थोड़ा ब्लैक टाइप का होता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये मिट्टी किसने जलाई हुई है। तो यहाँ पर मुझे अगर एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने को कहें तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इस मिट्टी को बहुत ही हाई टेम्परेचर में जलाया गया होगा और इसे इस तरीके से जलाया गया है कि ये मिट्टी पूरी की पूरी ब्लैक हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे वाल्मीकि रामायण में तो यही लिखा गया है कि ये पूरी लंका भगवान हनुमान ने जलाई है, तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो ये प्रूफ करता है कि रामायण एक्चुअल में हुआ था। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया पता चला होगा। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही प्रूफ हमें देखने को मिलते हैं, हमें और भी ज्यादा प्रूफ देखने को मिलते हैं, जैसे अशोक वाटिका का होना जहां पर रावण ने सीता माँ को किडनैप करके रखा था। पर यहाँ पर मैंने आपको उन्हीं एविडेंस के बारे में बताया है जिसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है। तो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।